हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सिविल्स विद आकाश। टुडे इज 4th May और वेंसडे के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग विद द मेंस क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करके देखना है। और उसी तरह से आप हमारे जो सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल है उस पर आईडी है, आप आईडी पे हमारा जो क्वेश्चन जो आंसर है आपका वो लिख के भेज सकते हैं। मोर ओवर इसका जो मॉडल आंसर है वो भी जो ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जो कि सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन फॉर द डे क्या है, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयाज एंड द वेस्टर्न घाट्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और सीधा क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक अच्छे वे से प्रेजेंट करना है ताकि हमें पता लग पाए, एक अच्छा क्वेश्चन आपका बन पाए और 150 वर्ड्स में आपको इसको खत्म कर देना है। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अप्रैल एक्सपोर्ट क्रॉस $38 बिलियन डेफिसिट वाइडेंस। कहते जो एक्सपोर्ट है वो तो बढ़ गया है हमारा अप्रैल में, लेकिन जो डेफिसिट है वो भी इंक्रीज हो गया। अभी डेफिसिट होता क्या है, देखिए दो चीज़ें रहती हैं हमारी, एक इंपोर्ट होता है, दूसरा एक्सपोर्ट होता है। लेट से मैंने किसी चीज़ का जो इंपोर्ट है, मतलब बाहर से जो मैंने चीज़ मंगाई है वो मंगाई 100 रुपीज़ की, और मैं एक्सपोर्ट जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 50 रुपीज़ का। तो ये जो 50 रुपीज़ का गैप है, मैं इसको क्या बोलता हूँ, डेफिसिट बोलता हूँ। मतलब ये जो पैसे हैं मैंने अभी बाहर की कंट्रीज़ को देने हैं। ठीक है जी, तो उसी तरह से यहाँ पे डेटा आप देखिएगा, डेटा में हमें पता चल रहा है कि जो एक्सपोर्ट थे लास्ट टाइम अप्रैल 2021 में वो 30.75 थे, लेकिन इस बार जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कुछ कितने हो चुके हैं, यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें वो हो चुके हैं 38.19। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो इंपोर्ट थे अप्रैल 2021 में इट वॉज 46.04, बट नाउ द एक्सपोर्ट्स आर 58.26, राइट। तो इस चीज़ की वजह से जो डेफिसिट है वो हमें हुआ यहां पे दिखाई देता है। यहां पे और जो चीज लिखी हुई है, कहते इंडियाज गुड ट्रेड डेफिसिट हैज क्रॉस्ड $200 बिलियन फॉर अ 12 मंथ पीरियड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अप्रैल 2022। ठीक है जी, तो ये जो है इंडिया का जो गुड्स ट्रेड है, जो डेफिसिट है, वो पहली बार 200 बिलियन क्रॉस कर गया है फॉर अ 12 मंथ पीरियड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अप्रैल 2022। ये वाले जो पॉइंट है, मे बी कई बार क्या होता है, कंसीडर द फॉलोइंग करके पूछ लेते हैं कि भाई इकोनॉमिक सर्वे का एक तरह का क्वेश्चन आ गया, बजट इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आ गया, तो उस वजह से आपको ये वाला ट्रेंड है जो वो याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हुआ तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये जो टॉपिक है, दिस इज टॉपिक इज रिलेटेड टू GS3 इकोनॉमिक्स। ठीक है, नंबर टू जो न्यूज़ है, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू हमारा जो टॉपिक है उसमें GS2 में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है कि कंपैरिजन करो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद US, ये वो। तो US की यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है, उसके बारे में वैसे ही आप हम पढ़ लेते हैं कि जो US की सुप्रीम कोर्ट है उसको अनल करना है, टू अनल अबोर्शन राइट। एक राइट था अबोर्शन करने का, उसको अनल करने की बात की जा रही है US सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब लेकिन यहाँ पे जो बिडेन है उन्होंने बोला कि कॉल्ड अपॉन अमेरिकन वोटर्स, और उन्होंने बोला टू डिफेंड दी फंडामेंटल राइट टू अबोर्शन आफ्टर लीक्ड ड्राफ्ट। कोई ड्राफ्ट लीक हुआ जिसमें सुजेस्टेड दैट दी सुप्रीम कोर्ट इज पॉइज्ड टू स्ट्राइक डाउन, मतलब सुप्रीम कोर्ट सोच रही है कि वहां पे जो अबोर्शन का राइट है उसको हम क्या कर दें, अनल कर दें। लेकिन ये जो बिडन जी हैं, प्रेजेंट हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये है क्या, यहां पे एक डिसीजन आया था 1973 में, रॉ वेड केस प्रोटेक्टिंग अ वुमेन्स राइट टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रख सकते हो आप कि ये कुछ है पॉइंट। चलो एक न्यूज़ के नाते हमें पढ़ना है, लेकिन हमारे लिए कुछ बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आगे हम चलते हैं, नंबर 3 न्यूज़ है, ये जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं कंट्री में, कभी कम्युनल टेंशन्स हैं, कभी लिंचिंग है। तो 2 लिंच्ड ऑन द सस्पिशन ऑफ किलिंग काओ, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि लिंचिंग होती क्या है। देखिए मोब लिंचिंग है जो, वो एक तरह का एक ऐसा एक्ट है जिसमें टारगेटेड वायलेंस होती है, मतलब जो ग्रुप है लोगों का वो मिलके जो लोगों को मार देता है ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हम यहाँ पे बात करें कि ये बिकॉज ऑफ द किलिंग, सस्पिशन ऑफ किलिंग काओ इन्होंने लिंचिंग कर दी। लेकिन कई बार क्या होता है, हमने महाराष्ट्र में केस देखा था, आपको याद होगा, कोई साधु जा रहे थे वहाँ पे, उनको पकड़ा के भाई ये चोर करके उनको मार दिया गया। इस तरह की जो लिंचिंग है वो चलती रहती है। और इसमें होता क्या है, ये ह्यूमन बॉडी पे भी हो सकते हैं और प्रॉपर्टी पे भी, बहुत पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। कोई भी प्रॉपर्टी को अगर आप कर रहे हो तो उसमें हम बोलते हैं कि वो लिंचिंग कर रहा है, मोब इकट्ठा होकर, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल।
अभी ये जो चीज़ है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इलीगल चीज़ है, ये लीगल नहीं है, क्योंकि अपने आप से आप सज़ा देना आपका काम नहीं है, ये जुडिशरी का काम है। लेकिन कॉजेज हो सकते हैं कुछ ना कुछ मॉब लिंचिंग के लिए, वो बात करेंगे। नंबर वन इसका पॉइंट आता है इनटॉलरेंस। देखिए कंट्री में अगर हम बात करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन की बात करें, तो एक दूसरे के प्रति जो टॉलरेंस है वो होनी चाहिए। हिंदूज़ को मुस्लिम के प्रति होनी चाहिए और मुस्लिम्स को हिंदूज़ के प्रति जो टॉलरेंस है वो होनी चाहिए। अदरवाइज़ होगा क्या, अगर सपोज़ कि मुस्लिम्स को हिंदूज़ के प्रति टॉलरेंस नहीं है, या फिर वाइस वर्सा, अगर यही चीज़ चलती रहेगी तो इन टॉलरेंस की वजह से ये जो एक्ट्स हैं होने लाजमी है। अगर कोई फेक न्यूज़ भी आती है कि यार इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से ये चीज़ हो गई है, फलाना है, कोई भी चीज़ आती है, तो उस केस में हम यही देखेंगे कि भाई ये जो इनटॉलरेंस है वो बढ़ती जा रही है, और जिस इनटॉलरेंस की वजह से मॉब लिंचिंग हमें दिखाई देती है। नंबर टू आते हैं बाइसेस, मतलब बायसनेस जो है, जैसे कि वेरियस आइडेंटिटीज लाइक कास्ट हो गया, क्लास हो गया, रिलीजन हो गया, ये जो बायसनेस है ये भी एक हेट क्राइम को आगे प्रमोट करती है, जिस चीज़ की वजह से हमारे दिमाग में कुछ प्रेजुडाइसिस बन जाते हैं कि ये पर्टिकुलर रिलीजन के या क्लास के या फिर कास्ट के लोग जो लोग हैं वो इस तरह की जो चीज़ें करते हैं तो इनको ही हम टारगेट कर देते हैं। जैसे अमेरिका में अगर मैं आपको बताऊँ, ये तो हमारी कंट्री की यहाँ पर एग्जाम्पल है, अमेरिका में अगर कोई चोरी हो जाती थी पिछले टाइम्स में, तो वो सिर्फ ब्लैक्स को ही अटैक करते थे, वहाँ के जो वाइट पुलिसमैन थे, है ना, तो वो सिर्फ ब्लैक को अटैक करते थे, उनको लगता कि ये जो चोरी है वो सिर्फ ब्लैक ही कर सकते। तो ये इस तरह का जो एक दिमाग में प्रेजुडिस बना लेना वो भी इन चीज़ों को बढ़ाता है। राइज ऑफ काओ विजिलेंट, तो ये जो चीज़ है वो भी एक यहाँ पे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, जिस चीज़ की वजह से लिंचिंग हो रही है। तो उसके बाद में लैक ऑफ स्पीडी जस्टिस, लोगों को लगता है कि यार अगर हम जैसे सपोज के कोई बच्चा चोरी करने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पे घूम रहे हैं, तो लोगों को लगे पुलिस में जाएंगे, फिर उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, क्या पता इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अपने आप इंसाफ कर दो। लेकिन ये इलीगल है, ये जो चीज़ है वो लीगल नहीं है, ये है इलीगली। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है द इनएफिशिएंसी ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑफ द पीपल, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर है ये पुलिस का काम है, इसको मेंटेन करना ये स्टेट का काम है, दिल्ली को छोड़ के सभी जगह पे स्टेट का काम है। तो इस चीज़ में हम ये देखते हैं कि भाई कई बार तो ये होता है कि पुलिस वालों के सामने जो बंदे हैं वो लिंचिंग कर देते हैं और वो खड़े के खड़े वहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो काम है इनएफिशिएंसी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इस वे से हमें देखना चाहिए। एंड नाउ दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS2, ठीक है, गवर्नेंस का ये पार्ट है, तो इसमें आपने इस चीज़ को याद रखना है। नंबर थ्री, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ विच वी हैव टू डिस्कस टूडे इज़ बेटर वेयानद एस्पिरेशनल रैंकिंग। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने बोला है के रैंकिंग ऑफ वेयानद डिस्ट्रिक्ट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ द सेंटर शुड बी इम्प्रूव्ड इन अ टाइम बाउंड मैनर। ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होता क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए एक अच्छे वे से। देखिए पहली चीज़, जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अफेक्टेड हैं बाय द पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, नंबर वन यहाँ पे एक चीज़ आती है। नंबर टू ये क्या चीज़ आती है, इम्प्रूवमेंट इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स, अगर जो सोशियो इकोनॉमिक तरीके से पिछड़े हुए इलाके हैं, जो पुअर है, अगर उनको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगी ह्यूमन डेवलपमेंट इन द इंडिया। इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमने 115 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे फ्रॉम दी 28 स्टेट्स, ठीक है जी, और एटलीस्ट वन फ्रॉम दी ईच स्टेट हमने वो जो सिलेक्ट है वो किया था आइडेंटिफाई किया था। अभी अगर हम अगली बात करें तो एट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल ये जो प्रोग्राम है ये एंकर्ड कौन करता है, नीति आयोग करता है। सो इन एडिशन जो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि इसकी प्रोग्रेस है जो डिस्ट्रिक्ट्स की वो देखी जाए। फिर उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई जो 5 आइडेंटिफाइड थीमेटिक एरियाज हैं, जैसे फोकस करना है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट पे एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये जो प्रोग्राम है ये 5 मेन एरियाज पे तो फोकस करेगा ही करेगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रोग्राम है ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि कन्वर्जेंस करनी है हमने सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स की, नंबर वन। नंबर टू, कोलैबोरेशन हमने करनी है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल प्रभारी ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट रेक्टर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में कंपटीशन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट के बीच में, ताकि कंपटीशन की भावना से, एक हेल्दी कंपटीशन की भावना से ये जो चीज़ है वो हम इसको आगे बढ़ा पाएँ एक अच्छे वे से। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है दिस इज़ एन एडिटोरियल, ठीक है जी, द कोर्ट्स बर्डन।
यहाँ पे हमने इसके बारे में एक दिन पहले भी बात किया था, ये GS2 से रिलेटेड है, ठीक है, जुडिशरी से। जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला कि जिस चीज़ को हमने बनाने की बात की थी, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कहते हमने कहीं पे ये बोला है कि स्टेट लेवल पे भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए। लेकिन जो कई चीफ मिनिस्टर्स हैं या फिर आप लगा के चलो चीफ जस्टिसेज हैं, उसमें उनको लगा के कहते कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को फेवर नहीं किया। तो वो कहते कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो वेस्टेड विद दी स्टेट्यूटरी पावर्स या फिर स्टेट्यूटरी पावर्स, जो कि प्लानिंग करता और इम्प्लीमेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फॉर द जुडिशरी, वो मतलब अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ को हम ऑगमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इनएडिक्वेट रिजल्ट्स है या फिर जुडिशरी पे बर्डन है वो हमें रिलीज़ होता दिखाई देगा। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिखाया। नंबर टू, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक उन्होंने गल्फ भी यहाँ पे हमें देखने को मिला, बिटवीन दी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जस्टिस नीड्स ऑफ दी पीपल, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने बोला अगर ये प्रपोजल कामयाब हो जाता है तो ये जो स्कीम है वो 60-40 रेशो में हम कर सकते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी जिसमें एक नेशनल अथॉरिटी जो है ना, जो पैसे हैं नेशनल अथॉरिटी के पास जाएंगे और वो जो फंड्स है वो एलोकेट करेगी थ्रू द हाई कोर्ट्स बेस्ड ऑन द नीड। तो वो कहते हैं कि इससे हमें शायद ये पता चल रहा है कि जो इसमें से है वो चीफ मिनिस्टर्स की कम है और मे बी इस चीज़ की वजह से वो यहाँ पर कोई भी एक्ट या फिर कोई भी चीज़ को बताते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके बाद में अगर हम चेक करें तो जो मिनिस्टर किरण रिजिजू जी हैं वो उन्होंने बोला कि हम प्रॉमिस करते हैं एक असिस्टेंस हम देंगे फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली फॉर द लोअर जुडिशरी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है और ये स्कीम क्या होगी ये होगी और ये जो कोर्ट्स बटन है ये आपने एडिटोरियल में, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं, अगर हम अगले एडिटोरियल की बात करें तो यहाँ पे है बिल असेंट अ डिले एंड दी गवर्नर्स ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड दिस टॉपिक इज़ आल्सो रिलेटेड टू GST GS2 और ये किसके अंडर आता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस या कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, ये आता है हमारा गवर्नर जी, है ना, जो गवर्नर है वो पॉलिटी का चैप्टर में आता है या फिर पॉलिटी के सिलेबस में आता है। नंबर वन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या है कि हमने एक चीज़ विटनेस की, एक बिल पास किया था स्टेट लेजिस्लेचर में जो कि बिल का नाम था नीट बिल, जिसमें उन्होंने बोला था नीट होता क्या है कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये जो बिल है वो पास किया था स्टेट असेंबली में, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो हम नहीं कंडक्ट करवाना चाहते। अभी यहाँ पे क्या देखा गया कि इसी बिल के पीछे कन्फ्रंटेशन हो गया कि इसको पास करना है या फिर नहीं करना। यहाँ पे पहली चीज़ ये बताई गई है ऑन द एडवाइज ऑफ मिनिस्टर्स, कहते जो पोजीशन है गवर्नर की वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे वो उन्होंने बोला जो गवर्नर जी हैं वो अपॉइंटी हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है, दैट विच मीन्स द यूनियन गवर्नमेंट, ऐसे होएगा ना, विच मीन्स द यूनियन गवर्नमेंट, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन ऑल दो आर्टिकल 154 क्लोज 1 जो कहता है कि गवर्नर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज दैट पावर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि उनको एडवाइस पे काम करना है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो आप चाहे यूनियन को हो, आप चाहे किसी भी जगह के हो, लेकिन आपको ऑन द एडवाइज ऑफ ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे काम करना है, ठीक है जी। नंबर टू, यही जो सेम चीज़ है यहाँ पे ये बोली गई कि गवर्नर इज़ दी ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड दी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो रियल एग्जीक्यूटिव अगर हम बात करते हैं तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे हम देखते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो यहाँ पे शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली अफर्म किया था कि पोजीशन इन द फॉलोइंग वर्ड्स, वी डिक्लेयर द लॉ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी द एट प्रेजेंट एंड द गवर्नर, बट उनको काम किनके उस पर एडवाइस पे करना है, ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है जी। तो एक्सेप्शनल सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पे वो मना कर सकते हैं काम करने के लिए, लेकिन ये नहीं है कि हर एक बिल में जो है हम अपना जो चीज़ों को फिक्स करके बैठ जाएं कि ये पास करना है या ये फिर पास नहीं करना। अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी यही बोला था कि जो गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो फंक्शंस विच ही कैन डिस्चार्ज बाय हिमसेल्फ, मतलब ओन दी एड ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स जो कर सकते हैं, बहुत काम है उनके पास, लेकिन अपने से कोई नहीं। ये सरकारी कमीशन ने भी यही चीज़ बोली, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं आप आंसर में कोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दी पाथवेज अवेलेबल, ये पाथवे क्या अवेलेबल है, वॉट एग्जैक्टली आर दी ऑप्शन बिफोर दी गवर्नर, आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200 में जब कोई भी बिल गवर्नर जी के पास आता है उनके पास चार ऑप्शन रहते हैं।
नंबर वन यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि वो इस बिल को पास कर दें, ठीक है जी। नंबर टू ऑप्शन रहता है इसको विदहोल्ड कर लें, ठीक है जी, पास नहीं कर रहे। नंबर थ्री ऑप्शन यहाँ पे रहता है प्रेसिडेंट जी को वापस, प्रेसिडेंट जी को दिखाने के लिए होल्ड करके रखें। नंबर फोर ऑप्शन आता है रीकंसिडरेशन के लिए वापस कर दिया जाए, ठीक है जी। अब नंबर फोर की बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पास हो गया, ये विदहोल्ड हो गया, ये प्रेसिडेंट जी के पास जाएगा, ये रोल फिर प्रेसिडेंट का स्टार्ट हो जाता है, इसमें गवर्नर का रोल ख़त्म हो जाता है। अगर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है तो बोला जाता है कि उसमें जो भी चेंजेस गवर्नर ने बोले हैं, विद चेंजेस और विदाउट चेंजेस, अगर ठीक है, जो भी रिकंसिडरेशन के लिए, मतलब कि उसको रिकंसिडर करने के लिए भेज दिया गया है, और वो जो बिल है, यहाँ पे चीज़ याद रखना, वो जो बिल है अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया, स्टेट लेजिस्लेचर ने विद कोई भी चेंज या फिर विदाउट चेंज अगर उस बिल को दोबारा से कहाँ पे भेजा, गवर्नर हाउस में, गवर्नर जी के पास भेजा, तो वो बिल को पास जो गवर्नर है उनको करना ही पड़ेगा, बाउंड टू पास, ठीक है। ये चीज़ यहीं पे लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे वो कहते कि ये नहीं लिखा हुआ, ये नहीं बताएगा कि कितने टाइम में उस चीज़ को पास करना है, कि कितने टाइम में यहाँ पे हमने उस चीज़ को पास करना है, ये जो चीज़ है यहाँ पे नहीं बताएगी, ठीक है जी। ये जो बिल है कि कितने टाइम में यहाँ पे पास करोगे, ये चीज़ यहाँ पे नहीं बताएगी, तो ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है एक प्रॉपर वे में। फिर आगे अगर हम बात करें तो वो कहते कि यार अगर ये चीज़ है कि भाई आप कितने टाइम में इसको पास करोगे या नहीं करोगे, ये तो बहुत ही गलत चीज़ होगी। तो अब गवर्नर जी क्या करके बैठे हैं, जो नीट का बिल है पहले तो उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, लेकिन बाद में अब वो उसको पास करने का नाम नहीं ले रहे, वो अपने पास ही उसको रख के बैठ गए, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे ये लिखा गया है, ये देखिए कि आफ्टर अ बिल इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, मतलब जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया है, इट इज़ सेंट टू द गवर्नर इमीडिएटली, और इस चीज़ का मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इट शुड बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर और प्रेजिडेंट शैल डिक्लेयर इंडिकेट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नर टू एक्ट विदाउट डिले। यहाँ पे डिले नहीं करना, यहाँ पे ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, तो गवर्नर जी को यहाँ पे सोचना चाहिए कि विदाउट डिले उनको ये चीज़ों को पास करने की तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ पे भी सेम लिखा गया है कि रिकंसिडरेशन के टाइम पे टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए उस टाइम को, उस चीज़ को पास करने के लिए, क्योंकि उसको एक्ट करना है गवर्नर को ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और लास्ट में यही बोला गया है कि जो रिस्पॉन्सिबल है पर्सनली, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अगर सपोज कर लो गवर्नर और प्रेजिडेंट ने कुछ भी किया तो उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा काम किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, देखिए, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट्स, इट इज़ दी इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, और बिल्स को या फिर किसी और चीज़ों को पास करना चाहिए एक अच्छे वे से। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है जॉबलेसनेस ऑन द राइज इन इंडिया। नाउ दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS2 विच इज़ गवर्नेंस, एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू GS3 इकोनॉमिक्स। इसको मैं आपको एक अच्छे वे से यहाँ पे हम कैरी ऑन करेंगे, इसको समझाते हैं कि इसमें चीज़ क्या क्या है, ठीक है। देखिएगा, नंबर वन चीज़ है यहाँ पे, कहते पता ये चल रहा है कि अगर हम कंपेयर करते हैं डेटा को, तो 2004-2014 में 7.5 मिलियन न्यू नॉन फार्म जॉब्स हैं जो वो क्रिएट की गई थी, लेकिन यहाँ पे 2005 मतलब जो एक 8% पर एनम जीडीपी वहाँ पे राइज हो रही थी, और 7.5 मिलियन जो न्यू नॉन फार्म जॉब्स हैं वो क्रिएट की गई थी ईच ईयर ओवर 2005-2012। लेकिन अगर हम डेटा देखें 2013-19 का, तो ओनली 2.9 मिलियन जो जॉब्स है वो क्रिएट की गई है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर वे से हमें ये पता चल रहा है कि किस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो राइज हो रही है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने ये बोला है कि जो जर्नलिस्ट हैं ये बोल रहे हैं यहाँ पे लिखते हुए कि अनपेड फैमिली लेबर का तो नाम ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो विमेन है जो कि काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड विमेन है जो जो हाउस वाइफ्स हैं उनका जो काम किया जा रहा है, जो मदर्स हैं जो काम कर रही हैं, है ना, जो वाइफ्स हैं जो काम कर रही हैं घरों में, उनके लिए कोई भी यहाँ पे पेड लेबर की बात नहीं की जा रही, नंबर, या फिर उनको काउंट नहीं किया जाता। नंबर थ्री, यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो रिकवरी है वो हो रही है के शेप्ड, मतलब ये सारे के सारे एडिटोरियल में या फिर आर्टिकल में यही बोला गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रही है, और इसमें कुछ चीज़ें नहीं भी डाली जा रही जिसकी वजह से हमें ट्रू पिक्चर नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बोल दिया उन्होंने के शेप्ड रिकवरी क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ के शेप्ड रिकवरी होती क्या है उसके बारे में देखिए। यहाँ पे कई बार क्या होता है, जब इकॉनमी दोबारा से जैसे लॉकडाउन के बाद में स्टार्ट हुई, तो कुछ के सेक्टर्स थे जो कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कुछ के सेक्टर्स थे जो कि
राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक सर्विसेज सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, है ना, सर्विसेज सेक्टर हो गया या फिर एजुकेशन सेक्टर हो गया, ये ऊपर जाना राइज करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारी इकॉनमी में कुछ सेक्टर ऐसे थे जो कि थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में हर एक सेक्टर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, लेकिन उसके बाद में वो नीचे जाना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर अगर मैं बात करूँ तो वो नीचे जाना स्टार्ट करता है आफ्टर लॉकडाउन। तो यहाँ पर एक रिकवरी किस शेप की बनती है, के शेप्ड रिकवरी हमें दिखाई देती है, मतलब ये एक आपको अल्फाबेट दिख रहा होगा के, एंड दैट्स व्हाई द नेम इज़ के शेप्ड रिकवरी। तो आपने ये चीज़ को याद रखना है, के शेप्ड रिकवरी, के इस चीज़ में इकोनॉमिक्स के कुछ सेक्टर ऊपर जाते हैं और कुछ सेक्टर नीचे जाते हैं के शेप्ड रिकवरी में। ये इकोनॉमिक सर्वे में भी आया हुआ है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बड़ा एक एडिटोरियल आर्टिकल टाइप दिया हुआ है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो वॉर्म्थ हुई है, ये जो हॉट मेस हुआ है, ये जो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, तो उस चीज़ की वजह से पहली चीज़ तो जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो कम हुई है, चाहे वो वीट की है चाहे वो फ्रूट्स की है। और यहाँ पर मैंगोज़ और लेमन की एग्जाम्पल दी है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर टू, अगर आपने ये डेटा यू कैन यूज़ इन दी मेन्स एग्ज़ाम, यू कैन कोट दिस डेटा कि जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्होंने ये शो किया है कि जो यील्ड ऑफ वीट है इन पंजाब वो कम हुई है। पहले के लास्ट ईयर क्या हुआ था, वीट प्रोडक्टिविटी वॉज 19.7 क्विंटल्स पर एकड़, लेकिन अभी की डेट में वो 18 क्विंटल्स पर एकड़ हुई है। तो इसकी वजह से हमने वीट यील्ड में भी लॉस होता दिखाई दे रहा है, डिक्रीज होती दिखाई दे रही है ड्यू टू दी राइज इन दी टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर है वो अकेले इंडिया में राइज नहीं हुआ, ये देखिएगा ये जो हॉट बैलून टाइप आपको दिख रहा होगा, हाफ बैलून, ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है रेड हॉट रीजन, ठीक है जी। तो पहली चीज़ तो ये यहाँ पे, फिर उसके बाद मतलब कुछ बहुत ज़्यादा खास इसमें डेटा नहीं था जिसको हम यूज़ कर पाए। तो ये जो बस चीज़ है आपने इतना कि याद रखना है कि भाई जो पावर डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, जो एसीज़ की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, जो अप्रैल है इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ काफ़ी टाइम से, तो ये 1901 से 2022 में अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं तो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर था 33.1 डिग्री सेल्सियस वॉज दी हॉटेस्ट फॉर एनी मार्च इन दिस टाइम पीरियड, मतलब 1901 से लेकर 2022 तक कभी भी इतना गर्म मार्च नहीं हुआ जितना इस बार था। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। द सेकेंड हॉटेस्ट है वॉज रिकॉर्डेड इन दी 2010, सेकेंड हॉटेस्ट 2010 में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अब ये इस बार का सबसे ज़्यादा गर्म मार्च जो है वो बन चुका है। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक फर्म है, ठीक है जी, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनका नाम, जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ है लैप्सिस, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं उनको भी हैक कर देते हैं, ठीक है जी। अभी इसके बारे में देखते हैं ये है क्या। ये पता चला जब उन्होंने लैप्सिस वाले लोगों ने, जो हैकर है, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स ही डाल दिए ओक्टा फर्म के टेलीग्राम पे, क्लाउडफेयर इंटरफेस के, ठीक है जी। अब इसके जिस्ट के बारे में हम देखते हैं। देखिए जो ओक्टा है उन्होंने कन्फर्म किया है हैकर्स के बारे में, जो लैप्सिस है ये साउथ अमेरिका बेस्ड है, टीनएजर्स हैं दो, 16 ईयर ओल्ड और 17 ईयर ओल्ड, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में ब्रीच कर चुके हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ये वो में, ठीक है जी। उनकी जो हैकिंग टैक्टिक्स है वो क्या है, जैसे कि फ़ोन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग हो गया, सिम स्वैपिंग हो गया, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा बहुत याद रखना है। तो लैप्सिस बस अगर आता है, लैप्सिस वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, तो हैकर्स है ना, तो ये चीज़ बस आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट नोट टू डिसाइड ऑन डेफर्ड पॉलिटिकल एंट्री ऑफिशियल्स। यहाँ पे किसी ने जो पिटीशन है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, और उन्होंने बोला कि जो जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या फिर हम बोल दें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है जी, वो बोलते जब उनकी टर्म पूरी हो जाती है जॉब की, वो साथ के साथ में जो पॉलिटिकल करियर है वो अपना स्टार्ट कर लेते हैं ना, पॉलिटिकल करियर अपना स्टार्ट कर लेते हैं, वो पॉलिटिक्स में एंटर कर जाते हैं। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को क्या करना चाहिए, उनके लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि कुछ 5 साल या 10 साल वो जो इलेक्शन है वो नहीं लड़ सकते। तो इस चीज़ में एक पिटीशन डाली गई थी, एक प्ली डाली गई थी, कहाँ पे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लेजिस्लेचर्स नॉट जजेस, लेजिस्लेचर का काम है इस चीज़ को देखना कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या लॉ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये जजेस का काम कतई नहीं है, ये बिल्कुल भी जजेस का काम नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला कि जो वर्क एथिक है,
कि देर कैन बी नो डाउट दैट सिविल सर्वेंट शुड मेंटेन द हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स, पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी इन द डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटीज़। ये जो है जिन्होंने ये पिटीशन डाली थी उनका बात तो सही है, क्योंकि जब वो साथ के साथ में पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो मे बी अपनी जो जॉब का प्रोफाइल है वो उस एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम कर रहे हों, एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए इंक्लाइंड हों, तो इस वजह से वो चीज़ को बोल रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला, इट सेड दैट फॉर द सिविल सर्वेंट्स कर्टेसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है जी। लेकिन बेंच ने बोला कि हम इस पे डिसीजन नहीं दे सकते, ये डिसीजन लेजिस्लेचर का, और लेजिस्लेचर ही इस चीज़ को बनाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। लोकपाल टू गेट अ न्यू ऑफिस एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। देखिए यहाँ पे बात की गई थी कि एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने बोला कि हमारे पास कोई अलग से लैंड नहीं है कि हम एक ऑफिस बना पाए, तो उनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में यहाँ पे लोकपाल जी को ऑफिस बना के दे दिया गया। ये लोकपाल के बारे में हम देखते हैं, पहले तो पिनाकी चंद्रा घोष है जो वो इंडिया के फर्स्ट लोकपाल अपॉइंट किए गए हैं, ये आपने याद रखना है, अलॉन्ग विद एट अदर मेम्बर्स। और यहाँ पे और क्या चीज़ को याद रख सकते हैं हम, 4 years आफ्टर द कंट्रीज फर्स्ट एंटी करप्शन ऑम्ब्यूड्समैन टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज। पब्लिक फंक्शनरीज कौन सी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, है ना, तो ये अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। ये जो चीज़ है, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री फॉर द लोकपाल, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल और ट्रेनिंग है ये एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री रहती है किस चीज़ की, लोकपाल की, बस इतना याद रखिएगा। और इसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसके बारे में अलग से एक दिन चर्चा की जा सकती है कि ये किस किस केसेस को ले सकते हैं और क्या इनका काम रहेगा। देखिए आगे देखिए, इंडिया और डेनमार्क ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की यहाँ पे बात की है, जिसमें दे विल बी फोकसिंग ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन, रीन्यूएबल एनर्जी और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। और जो इंडिया और डेनमार्क है वो कन्फर्म कर रहा है कि कंटिन्यूड कोलेबोरेशन इन द फील्ड ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, कई बार हम एंटीबायोटिक्स को बहुत ज़्यादा डोजेज में लेते रहते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है हमारी बॉडी में, और उस एंटीबायोटिक से नहीं वो ख़त्म होता, तो उसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, इंडिया कन्वेड इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द डेनिश इन्विटेशन टू ज्वाइन दी ICARS, मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सोल्यूशन, ठीक है, तो एक मिशन पार्टनर रहेगा। फिर उसके बाद में मोदी इन्वोक्स फोमो टू ड्रॉ इन इन्वेस्टर, इन्वोक्स पॉपुलर सोशल मीडिया एक्सप्रेशन फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उन्होंने बोला डेनमार्क विजिट में अगर कोई कंपनी इंडिया में आके आप आज इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो वो बहुत कुछ मिस आउट कर सकते हैं, तो इस चीज़ के साथ में उन्होंने एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट चीज़ है ये कम्युनल वॉलेंस, अगेन ये दिस इज़ पार्ट ऑफ GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, अगेन दिस इज़ पार्ट ऑफ GS2 गवर्नेंस, कम्युनल वॉलेंस अगेन, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग दी थाउजेंड्स ज्वाइन चार धाम यात्रा। चार धाम के बारे में हमें पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, चार धाम प्रोजेक्ट वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स, ठीक है, कि चार धाम प्रोजेक्ट है क्या, मैं वैसे बता देता हूँ। उत्तराखंड में चार धाम प्रोजेक्ट में हमने चारों के चारों धाम को कनेक्ट करना है, और हमने क्या करना है, जो रोड्स वहाँ तक जा रही हैं उसको वाइड करना है। यहाँ पे हमने यही देखा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार धाम हैं जो कि उत्तराखंड में, ठीक है जी, बस इतना आपने इस चीज़ को याद रखना है। और क्या चीज़ है यहाँ पे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखिए जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वो कंपाइल करता है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, और इन्होंने बोला जो इंडिया का रैंक है वो और भी ज़्यादा गिर गया है, मतलब जो इंडिया है वो अच्छे वैसे, जो यहाँ पे फ्रीडम है वो प्रेस की बहुत कम है, 150 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं कुछ, आगे इंडिया एक्सटेंड्स मोर एड टू श्रीलंका, सो दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS2, ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। $200 मिलियन हम देने की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, रशियन ट्रूस स्टॉर्म मारूपोल स्टील प्लांट सेज यूक्रेनियन फोर्सेज, वहाँ पे कुछ यूक्रेन की आर्मी वाले भी लोग थे, मिलिट्री भी थी, तो उनको भी साथ में उड़ा दिया गया है। दिस टॉपिक इज़ अगेन रिलेटेड टू GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद में एक स्टेटमेंट आई रशिया की, इसराइल बैकिंग न्यू नाजी रिजाइन इन कीव, कि जो इसराइल है वो बैक कर रहा है एक जो रिजाइन जहाँ पे कीव में चल रहा है यूक्रेन में। अब पता नहीं किस बेसिस पे वो चीज़ बोली गई है, क्योंकि ये बिल्कुल ही रिमार्क्स है जो वो गलत है, क्योंकि उन्होंने बोला जो हिटलर है वो भी ज्यूज़ था, लेकिन हिटलर ने एंटी ज्यूज़ सेंटीमेंट के साथ में जो ज्यूज़ होलोकास्ट हुआ था वो वहाँ से जर्मनी से बर्लिन से वहाँ से उनको निकाल दिया गया था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। टेलकोस अर्ज बिग कट इन दी 5G स्पेक्ट्रम प्राइस साइट वायबिलिटी, ठीक है, वायबिलिटी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 5G का जो स्पेक्ट्रम प्राइस है वो कम होगा तो उसको अच्छे वे से हम आगे चला पाएंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे एक और जो न्यूज़ है,
वो क्या है, रिलेटेड टू ऑब्वियसली GS3 बिजनेस पेज है ये। गारमेंट फर्म्स कॉल फॉर बैन ऑन कॉटन एक्सपोर्ट एज प्राइस सर्च। जो कॉटन का प्राइस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से गारमेंट्स महंगे होंगे, जिसकी वजह से उनकी सेल क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने बोला कि एक्सपोर्ट कम कर देनी चाहिए किस चीज़ के, कॉटन के, ताकि जो प्राइस है वो स्टेबल हो पाए। ठीक है, बस इतनी सारी न्यूज़ में ये चीज़ लिखी हुई है। सो इतना ही है आज के न्यूज़पेपर में। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए जो हमारा जो चैनल है आप उसको क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू।